वेलकम क्लास क्वेश्चन नंबर मैंने कल कर आपको करने को दिया है देखिए आपने किस तरह से किया है ठीक है अच्छा सबसे पहला काम हमारा क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके बड़े नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में लिखिए क्या कहने का मतलब है फाइव का स्क्वायर लिख दिया हमने इसको ट्वेंटी फाइव को टेन को हमने लिख दिया फाइव इंटू टू पहला काम तो हमने ये किया दूसरा काम हमारा क्या होता है कि जो सेम बेस वाले हैं उन पर जो है हम अप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने जो सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पर जो दिख रहा है उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है एक्चुअली करना क्या चाहिए था हमने हमने यहाँ पर करना चाहिए फाइव स्क्वायर आया है ना डिवाइड बाय आप पहले डिनोमिनेटर में जो है लॉ नंबर वन लगाइए इस जगह पे लॉ नंबर वन लगाइए ए टू द पावर एम इन टू द पावर एन तो ये हो जाएगा फाइव टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन ठीक है इस तरह से करना है स्टेप वाइज करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी ठीक है इन टू अब ये वन बाय टू ऐसी रहने देते हैं हम और यहां पर जो है टी टू द पावर फोर अपॉन टी टू दावर माइनस एट आपके पास आ रहा है बच्चों ठीक है तो अब आप क्या करिए ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइव स्क्सएगा okay, तो क्या हो जाएगा फाइव स्क्वायर अपॉन फाइव टू दावर माइनस टू फाइव स्क्वायर अपॉन फाइव टू दावर माइनस टू हो जाएगा सॉल्व करके है ना तो और इसको वन बाय टू को मैंने स्टार्टिंग में ले लिया वन बाय टू इन

यहाँ पे क्या किया गया है फाइव स्क्वायर फाइव इंटू ये डिविजन लाया दिया यहाँ पर जो है इनको एड करते हुए चल रहे हैं है ना तो ये ऐसा मत करिए ऐसा करने से क्या होता है गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं ठीक है इससे अच्छा आप इस तरीके को अपना स्टेप वाइज चलते हुए चलेंगे ठीक है अच्छा सेकंड पार्ट देखिए थ्री इंटू थ्री टू दावर माइनस फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव इंटू वन फाइव ठीक है। अपॉन फाइटी दावर माइनस सेवन इंटू सिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द नंबर है प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में प्राइम फैक्टर फाइव के पावर के फॉर्म में यानी कि वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फाइव क्यूब तो पहला काम हमने ये किया ठीक टू इंटू फाइव होल पावर माइनस फाइव हो गया टेन टू पाव माइनस फाइव की जगह और सिक्स टू दावर माइनस फाइव की जगह हो गया टू इन थ्री होल पावर माइनस फाइव अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कौन सा लॉ लगेगा आपका ये वाला लॉ ए बी होल पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू बी टू दावर एम लॉ नंबर फोर आपने डिस्कस किया है हमने है ना उस लॉ से तो टू टू पावर माइनस फाइव इसके साथ एक पावर चली जाएगी फाइव के साथ एक पावर चली जाएगी थ्री टू द पावर माइनस फाइव इंटू टू टू द पावर माइनस फाइव इंटू फाइव टू दावर माइनस फाइव इंटू फाइव क्यूब इसी तरह से यहाँ पर भी टू टू दावर माइनस फाइव इंटू थ्री टू पावर माइनस फाइव हो गया इस जगह पे और फाइव इंटू फाइव टू दावर माइनस फाइव पहले से था ऐसा हमने क्यों किया इस ब्रैकेट को क्यों ओपन कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी से ताकि हमारे पास सेम बेस वाले नंबर्स मिल जाए तो आप देखिए सेम बेस वाले यहां पर देखिए ये सेम बेस है और उनकी पावर्स बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टी पावर हो गए है ना इसी तरह से यहाँ पर ऐसे एस, कैसा लिखा अब आप देखिए इनको अरेंज करिए थ्री वाले को एक साथ लिखिए टू वाले को एक साथ लिखिए फाइव वाले बेसिस वाले एक्सपोनेंट नंबर्स को एक साथ लिखिए और उनपे आप उनपे आप क्या करिए उन पर लॉ नंबर टू से है ना थ्री ना सेम बेस डिविजन है बीच में तो पावर से भी सब माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव ठीक है तो ये आया थ्री टू दावर जीरो द पावर फाइव आया ठीक तो, तो है थीके? तो ए टू दावर जीरो थ्री वन टू आंसर ठीक है इस तरह से करना है बच्चों अच्छा अब आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं एक्सरसाइज है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जैसे आपने पढ़ा होगा ना स्पीड ऑफ आपने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट साइंस में आपने पढ़ा होगा ना स्पीड ऑफ लाइट तो उसकी वैल्यू क्या होती है थ्री इंटू रेस टू दावर एट थ्री इंटू टेन रेस टू पावर एट मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड ठीक है तो यहां पर आपको देखिए क्या मिलेगा ये क्या है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है व्हाट इज दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप कैसे करते हैं देखिए जब आप डेसिमल को इसको करने का तरीका क्या है आप डेसिमल्स को कितने प्लेसेस खिसका सकते हैं ठीक है कि ये एट पॉइंट फाइव मान लीजिए डेसिमल को मैं यहां लेके आना चाहता हूँ इस डेसिमल को बच्चों मैं यहां पर लेके आना चाहता हूं ठीक है ना तो यहां पर लेना है इस डेसिमल को खिसकाना है राइट हैंड साइड की तरफ को लेफ्ट टू राइट कितने प्लेसिस मैंने खिसका लेफ्ट टू राइट मैंने कितने प्लेसिस कि क्या होगा कि टेन की पावर में लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे मैं ऐसे एक कॉमन कन्वेंशन आपको बता दे रहा हूं कि जब डेसिमल को लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं ना बच्चों देखिए कितने प्लेस लेके गए वन टू थ्री फोर इस को खिसका रहा हूं, तो उतनी उतनी ही ही क्या हो जाएंगी? उतनी ही places power में, जितनी प्लेसिज मैंने खिसकाई उतनी ही माइनस में चल हो जाएंगी पावर उतनी ही माइनस में रख देंगे ठीक है लेफ्ट टू राइट करने में अब आप देखिए ऐसा क्यों होता है ये मैंने डायरेक्ट एक ट्रिक बता दिया बच्चों आपको देखिए कैसे अच्छा अब देखिए जैसे यहाँ आया तो मैंने डेसिमल यहाँ लाना चाहता हूँ बारह प्लेस तो टेंट पार्ट ट्व से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया ठीक है टेंट पार्ट ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एट पॉइंट फाइव यहाँ हो जाएगा डेसिमल अपॉन द टें तो एट पॉइंट फाइव अपॉन टू दावर ट्वेल्व होगा इसको मैं ऊपर ले तो लेट टू पावर के बाद माइनस ट्वेल्व हो जाएगा इसको न्यून में ले गया तो ऐसा करने की जगह आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट ट्रिक याद रख लीजिए कि जब वेन आई टेक द डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हाउ मेनी दैट मेनी नंबर विल बी माइनस इन द पावर ऑफ टेन ठीक है ये कहने का मतलब है ठीक है एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों देखिए है। सपोज मैं यहाँ नाइन पॉइंट फोर टू करना चाहता हूँ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन

Eight point five to ten to power minus का मतलब क्या हुआ एट पॉइंट फाइव अपॉन टेन अपॉन वन के बाद इतना छोटा नंबर बहुत ही छोटा नंबर है इट इज वेरी स्मॉल नंबर ओके तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत बड़े से बड़े नंबर को लार्जर से लार्जर नंबर को या स्मॉलर से स्मॉलर नंबर को दिखाने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते समय हम क्या करते हैं 10 की पावर का इस्तेमाल करते हैं ओके अब देखिए यहाँ थर्ड वाला केस यहां पर कहीं डेसिमल है नहीं है बच्चों मैं डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट ले जाना चाहता हूं डेसिमल मैं क्या ले जाना चाहता हूं राइट टू लेफ्ट ले जाना चाहता हूँ कहने का मतलब यह है कि मैं यहां पर डेसिमल है ना, ना है ना तो यहां से कितनी प्लेस में खिसकाऊ यहां पे? कि यहां पर पहुंच जाऊं तो फिफ्टीन प्लेसेज तो उतनी क्या हो जाएगी टेन की पावर पॉजिटिव में चला जाएगा टेन की पावर उतनी ही प्लेसेस क्या हो जाएगा पॉजिटिव में चला जाएगा नंबर ऑफ प्लेसेस उतने प्लेसिस में चला जाता है बच्चों ठीक है याद रखिए इस चीज को

तो तो तो, तो 8. 10 to power minus nine. अब को याद करते हुए करिए ठीक है ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसी भी अच्छी बात है कि आप नाइन प्लेसेस खिसका रहे हैं तो आप टेन की पावर माइनस नाइन से मल्टीप्लाई किया टेन की पावर माइनस नाइन से टेन की पावर नाइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया

जो हम यहाँ कर रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड एक जैसे टेन की पावर से उसी से हमने जनरलाइजेशन किया हुआ है ओके तो स्टैंडर्ड फॉर्म अब ये है यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्या करना है यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या जो इस तरह की फॉर्म ना जो हमने ये यूजुअल फॉर्म है तो ऐसे याद रखना मुश्किल होता है अगर टेन की पावर में याद रखेंगे तो फॉर्मूला बहुत जल्दी बड़े बड़े नंबर्स हैं या छोटे छोटे नंबर्स हैं याद हो जाते हैं जैसे है ना अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो देखिए 10 की पावर माइनस का 6 है क्या है 10 की पावर माइनस सिक्स है है ना बच्चों माइनस का 6 है कितने प्लेसेस नेगेटिव में है पावर छह प्लेसेस तो डेसिमल छह प्लेसेस कहां पे ले जाओगे डेसिमल छह प्लेसेस लेफ्ट की तरफ ले जाओगे छह प्लेसेस लेफ्ट की तरफ ले जाओगे है ना क्योंकि कितने प्लेसेस माइनस है है ना लेफ्ट की तरफ उतने प्लेसेस ले जाओगे तो या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो थ्री पॉइंट जीरो टू इंटू टेन सिक्स का माइनस का मतलब हुआ थ्री पॉइंट जीरो मिले यहाँ छह प्लेसेज यहां प्लेसे, वन प्लेस ऑलरेडी है टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री जीरो टू ओके okay. अब जैसे यहाँ पर आया फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन रूपा फोर बड़ा आसान है भैया फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन थाउजेंड तो एक डेसिमल प्लेस हटाने के लिए अगर डेसिमल को मैं यहाँ ला रहा हूँ तो एक जीरो यहाँ से हट जाएगा तो फोर्टी फाइव थाउजेंड हो जाएगा ठीक है ना थ्री इंटू टेन रूपा माइनस एट है जैसे तो थ्री इंटू टेन रूपा माइनस एट का मतलब कितना नेगेटिव में है एट प्लेसेज तो उतना ही प्लेसेज एट प्लेसेज ले जाइए यहाँ से वन प्लेस तो ये हो गया जीरो 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 थ्री ओके नेगेटिव पावर तो उतनी ही लेफ्ट पा उतनी ही नेगेटिव पावर है कितनी उतनी ही प्लेसेस जो है आप हमें लेफ्ट की तरफ को डेसिमल को प्लेस करना है तो वन प्लेस तो ये हो गया है ना बाकी सेवन प्लेसेस जीरो से फिलअप कर दीजिए ओके वन पॉइंट जीरो 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 वन इंटू टेंट पॉन्ट नाइन तो वन टू थ्री फोर प्लेसेस डेसिमल है तो चार जीरो हट कम हो जाएंगे तो यहाँ पांच जीरो लगा दिए इसके बाद ठीक है तो फिफ्थ पार्ट टेन की पार्ट ट्वेल्व एक पावर एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि डेसिमल मैं यहाँ लाना चाहता हूँ अगर फिफ्टी एट लिखना चाहता हूँ तो फिफ्टी एट तो यहाँ ग्यारह जीरो आ जा जाएंगी ठीक है इस तरह से है बच्चों ठीक इस तरह से करना है आपको इस क्वेश्चन को ओके